बार मंच पे मैं मनीषा सिंह आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। और जैसे हर बार की तरह हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, उसी कड़ी में हम आज मिथुन कुमार से मिलेंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि पुरुषों से बात करते समय मैं हर बार हिचकती हूँ कि कहीं मैं असहज ना हो जाऊं। मैं बता रही थी आपको कि मिथुन उन गिने चुने पुरुषों में से हैं जिनसे मैं प्रभावित होती रही हूं, और जैसा वो खुद को भी कहते हैं और जैसा मैं खुद को भी पाती हूं, हम सभी लर्नर हैं स्त्रीवाद के। आज हम मिथुन से बात करेंगे। और मिथुन मुंबई में रहते हैं, मुंबई में वो कैसे पहुंचे, उनकी एक जर्नी रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मिथुन ने खुद को कैसे स्त्रीवाद, फेमिनिज्म इस शब्द से जोड़ा, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते, एक बहुत छोटे शहर में रहने के कारण मैं समझ पाई कि इस शब्द से जुड़ना मेरे लिए तो एक उपलब्धि जैसा ही है। और आज भी मैं ऐसा पाती हूँ कि इस विषय में इंटरेस्टेड लोग और इस विषय में दखल रखने वाले लोग बहुत कम मात्रा में हैं। तो मिथुन का भी वही ऐसा ही कुछ एक प्रोसेस रहा है। किस तरह से उनके जीवन में स्त्रीवाद शब्द आया, उसके बारे में आज हम मिथुन से बात करेंगे। आपका स्वागत है मिथुन। मैं मिथुन मुंबई से हूँ। बेसिकली पैदा यहीं पे हुआ, पला बड़ा यहीं पे। ऐसा तो नहीं कह सकता कि यहीं पे पला बड़ा, लेकिन कुछ थोड़ा इधर बड़ा हुआ, कुछ जो है यूपी के जौनपुर में बड़ा हुआ, जहाँ पे मेरे पिताजी की पैदाइश रही है। तो बेसिकली रोजगार के सिलसिले में पापा जब मुंबई आए तो उनके साथ साथ माँ भी यहीं आई, तो यहीं पे मेरा जन्म हुआ। और 1990 का दशक था वो, जब मैं यहाँ पे पैदा हुआ। तो जैसे जैसे पिताजी घूमते रहे रोजगार के सिलसिले में अपनी मुश्किलों को लेके, कभी यहाँ कभी गांव, तो उस तरह से मेरी भी पढ़ाई कभी यहाँ होती थी कभी गांव में होती थी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे, फिर गाँव में जा रहा, गाँव में भी बहुत सरकारी स्कूल तो उस समय नहीं थे। प्राइमरी की जो पाठशाला है मेरे गांव से, मतलब एक एक 1.5 किलोमीटर के रेंज में है, तो पहले एक बार वहाँ एडमिशन हुआ, 1 से लेकर 2 तक की पढ़ाई वहाँ पे हुई। फिर पापा मुंबई आ गए, फिर 2री से लेकर 3री तक पढ़ाई यहाँ पे हुई। फिर क्या हुआ, कितनी दिक्कतें आई, बस छोटा था तो मुझे नहीं पता। फिर माँ गाँव में गई, फिर 3री से 4थी की पढ़ाई गाँव में हुई, तो एडमिशन वहाँ पे भी हो जाता था, यहाँ पे भी हो जाता था। एक सिलसिला मैंने ये देखा है कि एक बच्चे के प्राइमरी में जब एडमिशन पास तक एजुकेशन होता है, फिर 5वीं से लेके 8वीं तक होता है, 8वीं से 10वीं तक होता है, लेकिन बीच में कैसे कैसे मेरी मम्मी ने एडमिशन कराया, मुश्किलों से गुजरते हुए तो उन्होंने जैसे तैसे करवाया चीज़ों को। तो यहाँ से जैसे 2री में एडमिशन करवाना है, फिर 4थी में करवाना है, तो मुझे एक बार याद है 3री में एडमिशन लेना था यहाँ मुंबई में, तो किस तरह से उसने टीचर को पैसे दिए, हाथ पैर जोड़े रिक्वेस्ट किए। उसने टीचर कह रहा था कि बीच में एडमिशन इस तरह से होता नहीं है, लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह लेके आना पड़ेगा। तो गांव में पता नहीं एडमिशन था कि नहीं था, हम ऐसे पढ़ने जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जाना है नहीं जाना ये भी कुछ क्लियर नहीं था। किताबें विताबें नहीं होती थी, बुक्स के नाम पे एक पटरी होती थी ऐसे लकड़ी की, हम लोग उस पे लिखते थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम, 3-4 और भी लोग थे, मेरे बड़े पिताजी के बच्चे थे और भी अगल बगल के थे, 2 पटरियां थी, सबका उसमें एजुकेशन होता था। तो गांव में ये पढ़ाई का सिलसिला था, जाते भी थे नहीं भी जाते थे, जैसे जैसे चल जाता था, गए घूमे टहले। अभी जैसे ये सीजन है, ठंडी का सीजन है, स्कूल गए, मस्त ये बेर का सीजन होता है गाँव में, तो बच्चों के साथ जंगलों में निकल गए, कहीं बेर खा रहे हैं, फिर वहां पे छोटे छोटे नाले हैं वहां पे चले गए, मछलियां पकड़ रहे हैं उनके साथ, मछलियां भून के वहीं खाना शुरू कर दिया, या और चले गए किसी खेत में चना वना मिला वहां पे घूमने निकल गए, किसी घर में चना किसी का चुरा के खा रहे हैं, किसी के सरसों तोड़ रहे हैं। तो ये गांव का बचपन है हमारा। पढ़ाई के मामले में हम इसी तरह से थे, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। हाँ, अगर घर पे शिकायत पहुंच जाती थी तो मार बहुत पड़ती थी, इतना पता है। तो बहुत मारपीट हो, चाचा थे हमारे बहुत मारते थे, कि खाली उनको मतलब होता ना, किसी किसी को आपको पीटने का बहाना चाहिए, कि वो बैठे रहते हैं हाँ इंतजार में कि कोई छोटा सा क्लू मिले, तो
इस तरह से एक दो लोग थे घर में, रिवील करना भी अच्छा नहीं लगता। एक तो चाचा थे, अब उनका नाम कह ही दिया मैंने, तो सब ताक में बैठे रहते कि किस तरह से बच्चों को पीट देना है। तो इस तरह से पिटाई भी हो जाती थी। कितनी बार तो मैंने नोटिस किया कि उनको मारने इसे चलते फिरते, कुछ नहीं बोल रहे, हाँ मार दिया, चलो आगे बढ़ो, हो गया काम। तो इस तरह से रहा है दुश्मना, तो लेकिन मारपीट बहुत पड़ी है। तो इस तरह से पढ़ाई का सिलसिला वहां का भी वहां चला, फिर मुंबई में भी इसी तरह से रहा है। सुबह उठना, फिर पैदल जाना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल है यहाँ पे, बीएमसी के जो भी स्कूल हैं वहां पे जाना है, वहां पे भी जैसे तैसे एडमिशन होता था। फिर झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे यहाँ पे होते थे, तो उनके बीच में रहना, गाली गलौज जो भी, मतलब यहाँ पे जिस तरह से जिस माहौल में जिस तरह के बच्चे होते हैं, तरीके माहौल था यहाँ पे भी उसी तरीके से माहौल था। तो पढ़ाई लिखाई वही कॉमन, फिर वही मारपीट गाली गलौज जो भी होता था गांव में, जो हमने सीखा यहाँ के भी स्कूल में वही सीखा। फिर पढ़ाई में थोड़ा सा ठहराव तब आया जब मैं 6वीं में एडमिशन हुआ, यहाँ से मैं गांव गया था। पापा भी यहाँ पे जो जो भी उनका व्यापार था यहाँ पे, फ्रूट्स का धंधा था, सब्जी का धंधा था, तो एक दुकान जो चलाते थे वो बिक गई फिर। और मेरा बड़ा छोटा भाई पैदा हुआ था यहाँ पे, तो उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी, मैं थोड़ा बड़ा भी हो चुका था तब तक, समझने लायक हो चुका था। तो 5वीं में उस समय मैं पढ़ रहा था। फिर यहाँ से जब गाँव गया तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, कि मेरे मामा जो हैं, मुझे मामा अपने घर पे लेके गए पढ़ाई के लिए। वहाँ पे थोड़ा ठीक है वो लोग, जो आर्थिक तौर पे भी ठीक है, खेती बाड़ी भी है। तो मम्मी ने सोचा कि जो है वहीं पे क्यों ना हमें भेज दिया जाए पढ़ने के लिए। तो वैसे हुआ कि मम्मी ने वहाँ पे भेज दिया, मामा लेके गए। तो 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाई जो है फिर मामा के यहाँ पे हुई है। तो एक जो जो कह सकते हैं जो ठीक ठाक जो पढ़ाई हुई है तो वही हुई। इसके बाद 12वीं के बाद जो है फिर मैं घर आ गया, फिर वही रोजगार के सिलसिले। 12वीं मैंने एक बार कोशिश की थी, एग्जाम दिया था पॉलिटेक्निक का, एक छोटा सा इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, तो वो मैंने क्लियर किया था। तो हो गया था एंट्रेंस मेरा, क्लियर हो गया था। तो ज्वाइनिंग के लिए आया था, तो काउंसलिंग के लिए उसमें 8,000 का शायद साल भर का था, तो उसमें कंडीशन ऐसी थी कि 8,000 भी मैं नहीं जुटा पाया, 2008 की बात है। तो मैंने मम्मी से कहा कि ठीक है मैं कहीं से कर लूंगा, 8,000 बहुत बड़ी रकम तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि आप तो कर लोगे, लेकिन परिवार में और भी लोग हैं, तीन तीन बहनें हैं, एक मेरा छोटा भाई था। बोले तुम चले जाओगे 3-4 साल वहाँ पढ़ाई करोगे, तो परिवार की कंडीशन तुम देख रहे हो और चीज़ें कैसे होंगी। फिर मैंने भी समझा कि हाँ उसका भी कहना सही है, कि मैं पढ़ाई में जैसे तैसे अगर कहीं से करके पैसे कर भी लिए तो कैसे होंगी चीज़ें, सही बात है। फिर 2008 में फिर से मैं मुंबई आया और दूध की दुकान पे काम करने लगा। फिर दूध की दुकान पे थोड़ा बहुत पढ़ाई काम वाम किया, जो भी पैसे आए घर भेजा। फिर पापा फिर अलग जगह पे सब्जी की दुकान चलाते थे, उनके साथ रहने लगा। तो इसी तरीके से फिर सिलसिला चलते रहा। फिर गांव गया, एंट्रेंस एक बार में नहीं हुआ, फिर 2008 में आई थिंक नहीं हुआ था, 2009 में हुआ था फिर, ठीक है उस समय भी पैसे नहीं थे। तो इसके बाद नहीं किया, फिर मुंबई आ गया। फिर काम के सिलसिले में भटकता भटकते रहता था, जहाँ काम मिला किया, नहीं किया, किसी ने पैसे दिए किसी ने नहीं दिए, कहाँ 20 दिन काम किया कहीं 15 दिन काम किया, तो ऐसे चलता रहा। फिर ठहराव जीवन में एक बार ऐसा आया कि पापा गांव जा रहे थे, बोले सभी दुकान चल नहीं रही है। तो मैंने बहुत जगह काम किया, कहीं 2,000 के महीने मिलते थे, कहीं 2,500 के मिलते थे, कहीं कुछ भी नहीं मिलते थे। फिर पापा बोले मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। फिर मैंने भी ऑब्जर्व किया उनके धंधे के सिलसिले को, किस तरह से वो करते हैं, सब्जियां किस तरह से आती हैं, मंडी किस तरह से जाया जाता है, बेचते हैं कितना, बेचते हैं कितना किलो, बेचने पर कितना बचाते हैं कितना। फिर एक होता ना कि पढ़ा लिखा तो था, थोड़ा सा रेशियो मिलाने लगा, तो समझ में आया कि अगर मैं दिन में 15 किलो भी प्याज बेच रहा हूँ, अगर एक किलो प्याज पे मुझे 5 रुपए भी मिल रहे हैं, तो मतलब अगर 15 किलो बेच रहा हूँ तो 75 रुपीज हो गए, ठीक है। और भी अगर 4-5 आइटम इस तरह से मिला कर मैं दिन में 200-300 भी कमा रहा हूँ, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे निकाल दिए, अगर दिन में 150-200 भी बच रहा है, मान लो 200 रुपये अगर मैं बचा रहा हूँ इनके, तो महीने के 6,000 होते हैं, जबकि दूसरी जगह मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे 3,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, उसी में मुझे जो है अपना खर्चा भी देखना है और सारी चीजें। तो इस तरह से मुझे लगा एक बार इसको करके देखा जाए। तो पापा गांव चले गए, फिर वहां पे मैं करने लगा और किया, फिर 2-3 महीना किया, बहुत अच्छा किया। घर पे एक बार पहली बार पैसे भेजे साथ में 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपए, तो मम्मी बहुत खुश हो गई। तो तब से मतलब उन लोगों ने भी कभी कुछ नहीं कहा, तब से सब्जी की दुकान चल रही है और चला रहा हूँ। इस तरह से जो है ये मोटा मोटा जो है मेरे जीवन का अच्छा है कि कैसे मैं कहाँ से कहाँ कहाँ। मनीषा बार हम लोग
इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की बातें लोगों से सुनते हैं कि विचारधाराओं को फॉलो करना, खास करके स्त्रीवादी विचारधारा के लिए लोगों का विचार है कि ये खाए पिए पेट भरे लोगों की का विषय है, वही लोग इसके बारे में बात करते हैं, और भारत जैसे देश में इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो स्त्रियां बड़ी सशक्त हैं, देवी का रूप मानी जाती हैं, हर घर के मंदिर में एक स्त्री जरूर विराजमान होती है, और सूटेड बूटेड लोग बैठ करके टेबल्स पर काफी गंभीर विमर्श किया करते हैं। तो इसे इतना स्टीरियोटाइप कर दिया गया है कि स्त्रीवाद मतलब कोई साधारण इंसान तो इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता। परंतु मिथुन को मैं आज आप सबके सामने बस इसीलिए लाई हूँ कि नहीं भाई, स्त्रीवाद टेबल्स चेयर और एसी रूम्स तक ही सीमित नहीं है, स्त्रीवाद अब काफी दूर दूर तक पहुंच गया है। और मुझे आशा है कि चूंकि अभी स्त्रीवाद को फॉलो करने वाली हम पहली पीढ़ी हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों में बहुत सारे शायद सभी स्त्रीवाद की के महत्व को समझेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने बच्चे से, जो कि 10 साल का है, मैंने बोला कि ऑपोजिट क्या होगा फेमिनिज्म का, तो वो बोला क्रुएल्टी। मम्मा जिस जिसको भी थोड़ी सी भी एम्पैथी सिंपैथी है वो सभी फेमिनिस्ट होते हैं, और ये बिल्कुल तुरंत से उसके दिल से निकली हुई बात थी। उस दिन मुझे दिमाग में आया था कि मैं एक बार मिथुन से जरूर लोगों से बात करूंगी। मिथुन आप बताओ कि इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे आप, स्कूल तो आप जाते ही नहीं थे, मछलियां पकड़ने में आपने सारा समय बिता दिया और कुटाई पिटाई तक की नौबत आ गई, तो ये शब्द कहाँ से आपने सीखा, कहाँ से आप, मैं देख पाऊंगी और भी लोगों को बताऊंगी मिथुन के बारे में कि क्यों मिथुन एक लर्नर है फेमिनिज्म के। आप बताओ आपने कहाँ से इस बात के बारे में जाना। सबसे पहले तो एक जो बड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट में हुआ कि फेमिनिज्म की बात निचले स्तर पे क्यों नहीं होनी चाहिए, कि जैसे सबसे बड़ी बात जो कहते हैं लोग कि ये सिर्फ बड़े लोगों का विमर्श है, ठीक है। तो इससे मैं छोटा सा कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि बड़े लोग की जैसे बात होती है कि बड़े लोगों का विमर्श है, ठीक है, बड़े लोगों ने स्त्रीवाद को समझा जाना, ठीक। तो बड़े लोग जो मतलब थोड़े सक्षम है, जिसको समझते हैं, जो अपने अधिकार को समझते हैं कि अगर उनके ऊपर कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो कम से कम वो कानून को समझते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, अपने दोस्त यार उनके इस तरह से होते हैं कि उनके बीच अपनी बात रह सकते हैं, कम से कम थोड़ा ये प्रिविलेज उनके पास है, ठीक है। लेकिन जैसे आप निचले तबके में आएंगे, जहां पे महिलाएं मतलब घर में ही हैं, जिनको घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है, ठीक है, सोचती हैं, परमिशन लेती हैं, बाजार जाना है तो सास से परमिशन ले रही हैं, घर में किसी से भी परमिशन लेती है, इवन परमिशन नहीं मिलेगा तो छोटे बच्चों को साथ में भेज दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे हमारी दीदियां हैं या छोटे, तो उनकी सिक्योरिटी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, छोटे बच्चों। तो यहाँ पे जो थोड़ी निर्दयता जब होती है, लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो अगर यहाँ पे फेमिनिज्म की एक्चुअली में सबसे ज्यादा जरूरत है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, मारना पीटना, गाली गलौज, छोटी छोटी चीजों में हिंसा दिखाई देना, खाना मतलब खाना बन रहा है उसमें कहीं नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, प्लेट पटक देना, उठा के फेंक देना, गाली गलौज करना, ठीक है, बच्चों के सामने पीटना, ये सब क्या है? ये सब सब मतलब क्लास का कहीं ना कहीं डिफरेंट तो आता है। हम देखते हैं कि ठीक है, क्लास अगर जब थोड़ा क्लासेस में चेंज आते हैं तो ठीक है, वहां भी मतलब आपकी क्रुएल्टीज हैं, लेकिन जैसे जैसे थोड़े निचले स्तर पे आएंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि महिलाओं के अधिकार वाली बात होती है, यहाँ इनकी समझ कम है, अधिकार कम है, वो अपने अधिकार को जान नहीं पाती, उनके पास इस तरह के लोग नहीं होते कि अपनी बातें रखें, समझे जाने, ठीक है। तो कम से कम यहाँ निचले स्तर पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने ही अगल बगल दिखता हूँ, पास पड़ोस में, नात में, रिश्तेदारों, जहां पे भी जाता हूँ, महिलाओं को निकलना है तब भी लोगों से परमिशन की जरूरत पड़ती है, नहीं गई कहीं अगर अपने मन से चली गई तो आने के बाद किस तरह से उनको प्रताड़ना मिलती है, कैसे चली गई, किससे पूछ के गई, क्यों गई, आज तुम यहाँ जा रही हो, कल कहीं और जाओगी, मतलब कहाँ से बात निकलती है, कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। जबकि होता क्या है कि एक महिला से उसको लगा कि हमको थोड़ा बाजार चले जाना चाहिए, या एक मेरे दोस्त से उससे मुझे मिलने चले जाना चाहिए, बस इतनी सी बात को किस तरह से हाइप किया जाता है कि आप सोच के मतलब हंसी आती है, ठीक है। अब ये हंसी मतलब अब मुझे आ रही है, ठीक है, कि ये क्या मतलब होता है ना, सरकेस्टिक चीज है, लेकिन इस पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले तो मैं उसमें था कि मेरी बड़ी बहन कहाँ जा रही है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, नहीं तो क्या भरोसा कहाँ चले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरा मेरा माइंड इस तरह से था। तो बदलाव की जहां तक बात है कि ये बदलाव आया है मेरे अंदर 2016-2017 से,
कुछ लोग जो मेरी जिंदगी में आए मुझसे मिले, इसलिए मैं एक दो शख्स का नाम लेना चाहता हूँ जिसमें मयंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मयंक सक्सेना करके एक है, शायद फेसबुक पे लोग उनको बहुत जानते होंगे। ठीक है, तो जैसे तैसे एक दिन उनसे मुलाकात हो गई एक दोस्त के थ्रू, आमिर है मेरा दोस्त। तो जहाँ पे मेरी सब्जी की दुकान थे तो मयंक अक्सर आया करता था। ठीक है, तो एक दौर ये भी था कि होता है ना कि खेल ये है कि जैसे जिस माहौल में आप रह रहे हो, ठीक है, तो माहौल का असर तो आपके ऊपर होता ही है। ठीक, तो वही मेरे अंदर भी था कि एक दौर में घोर दक्षिणपंथी हुआ करता था मैं भी। ठीक है, वही विचार कि जो सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है सोचना नहीं है, हाँ हाँ एक्सेप्ट कर लो। अगर इस तरह से ही चीज होता तो आज मैं भी किसी बाबा का भक्त ही होता। ठीक, तो सोचता हूँ कि कोई बाबा अगर चमत्कार की बात करता है तो सबसे पहले मैं उस बारे में सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, कोई चमत्कार कर भी रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है, या कोई मुझे बहुत बहुत सुपर स्पिरिचुअल बातें कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे चमत्कार है, तो मैं सोचता हूँ उसके बारे में कि क्या क्या ये संभव है, इस वैज्ञानिक युग में संभव है। जैसे आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं कहाँ पे हूँ, मनीषा जी कहाँ पे हैं, किसी और से कनेक्ट हुए हैं, बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आज से 20 साल पहले अगर इस तरह से बात करते, देखो मैंने मैं एक इंसान वहां पे बैठा है, मैं उससे अभी बात करके दिखा सकता हूँ, तो लोग तो मेरे पैरों में लोग गिर जाते हैं, तुम ही बाबा हो इस देश के। ठीक है, लेकिन आज 20 साल बाद ये संभव हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे एक साइंस है ना, हम चीजों को समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर 20 साल पहले कोई कहता नहीं मेरे अंदर एक दैवीय गुण है, एक ईश्वर का दिया हुआ एक मोबाइल टाइप है, ये देखो है, इसके थ्रू मैं सबसे बात कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज पे भरोसा कर लेता। तो उस तरह का माइंड मेरा हुआ करता था। ठीक है, कि भला हो कुछ लोगों का जो मेरी जिंदगी में आए, और धीरे धीरे सोचना ले उनकी बातों को सुनने से और अपने सोचने की पावर को डेवलप करने से, उनकी दी हुई किताबों को पढ़ने से, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। हालांकि बदलाव इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके अंदर ही होता है ना, एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जैसे होता है ना कि आप धार्मिक है, कट्टर धार्मिक है, ठीक है, कोई ईश्वर पे सवाल कर दे तो अपने अंदर ही कि यार ईश्वर को कोई कैसे नकार सकता है। ठीक है, तो लेकिन जब आप सत्य सही और गलत को थोड़ा तथ्यों पे परखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है कि क्या सही हो सकता है क्या लॉजिकली, जब तक आप नहीं सोचेंगे चीजों को, रीजनिंग नहीं करेंगे अपने मन में, तो किसी भी सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है। तो वही एक दौर था कि मैंने चीजों को सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, किताबें मिलती गई ढंग से। मतलब सिर्फ किताबें मिलना जो है बड़ी बात नहीं है, कौन सी किताबें मिल रही हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। कि जैसे कि एक लाइन है ना, उस साहित्य समाज का आईना होता है। ठीक है, साहित्य अभी कुछ दिन पहले मुझे बात फेसबुक पे लिखी भी थी कि साहित्य समाज का आईना है, ठीक है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो आईना दिखा कौन रहा है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे राइटर्स की किताब लिखेंगे जो अपनी विचारधारा, जो अपना कट्टरपन, पागलपन जो आपके दिमाग पे थोपना चाहते हैं, तो वो भी तो एक साहित्य है, लेकिन वो आईना आपको नहीं दिखा रहा। जैसे इस समय तुलसी विमर्श चल रहा है, ठीक है, तो अब ठीक है, तुलसीदास समाज का आईना है, ठीक है, वो भी साहित्य का हिस्सा है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है ढोल गवार पसनारी और सकल ताड़ना के, उस पर देखो डिफेंड करने के लिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, जबकि है विमर्श का मामला। ठीक है, अगर वहां पर तुलसीदास बेशक अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत लिखा गया है तो उसके सवाल क्यों नहीं उठेगा भाई, सवाल तो उठने चाहिए ना। तो कम से कम सवाल तो उठे, लोग चर्चा तो करें, जो गलत है उसको गलत को गलत कहना ही पड़ेगा ना। मैं साहित्य मान के उसको सारी चीजों पर ले 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 रहा हूँ कि नहीं, नहीं सही है सही है, तो हमको ये देखना पड़ेगा ना आईना कौन पकड़ा है। और आज के दौर में भी आपको देखना पड़ेगा वो आईना दिखा कौन रहा है, कौन तुलसी को डिफेंड कर रहा है, कौन सकल ताड़ना को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होंगी। तो वो दौर था कि मुझे किताबें मिली, ढंग की किताबें मिली, और ऐसा नहीं कि मैं किताबें मिली तो मैं उनको एक तरफ से जो है जो पढ़ता गया उस पर भरोसा करता गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे किताबें पढ़ता था, सोचता था क्या है सही है, कैसे सही है, ये मतलब ये लिखा गया है नहीं, मैं तो ऐसा सोचता था कि ईश्वर के बारे में सोचता था मान लीजिए, लेकिन तू यहाँ कह रही है, तो मतलब होता ना कि आप पढ़े हुए को भी अपने अपने कम से कम अपने तथ्यों पर परखते थे, तो जो सही लगता था वो ऑब्जर्व करता था। इस तरह से बहुत सारी किताबें जो होता है ना दिमाग खुलने में, जो सबसे बड़ी किताबों जो बड़ी भूमिका निभाई है, उसमें सबसे बड़ा नाम जो है मैं हरिशंकर परसाई का लेना चाहूंगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई, उसी दौर में मुझे मंटो की किताबें मिली हैं। ठीक है, मंटो मंटो को पढ़ा मैंने, खूब सारा मंटो को पढ़ा, एक एक कहानियां पढ़ता गया, और इस तरह से दिमाग खुला कि
मतलब होता है ना कि, और सबसे बड़ी चीज कि किताब पढ़ने के बाद जो है बहुत सारी चीजें मैंने रियलाइज की कि जो मंटो लिख रहे हैं कहीं ना कहीं मैं उस प्रताड़ित करने का हिस्सा रहा हूं। ये मेरे लिए मतलब होता है ना कि आप तब जब साहित्य यहाँ पे आपको आईना दिखाता है, ठीक है, ये मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि ठीक है आप साहित्य से सीखते हैं, लेकिन मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जहाँ पे होता है ना महिला शोषण की बात आती है किस तरह से, तो मैंने किस तरह से कहाँ कहाँ चीजें गलत की हैं वो सब पढ़ते हुए सब माइंड में कहीं ना कहीं सब जो है घूम रहा था घूम रहा था। तो ये बहुत मतलब होता ना कि अब बहुत सारी चीजें वही घटना है जो मंटो को पढ़ते हुए उस समय मुझे याद आ रही थी, अभी भी वही सब याद आ रहा है कि मैंने किस तरह से मैं मतलब मी टू के मोमेंट में मतलब जब चल रहा था तब मैंने ये सब रियलाइज किया था कि मैं कितने शोषणों में शामिल रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा नाम लिया तो हरिशंकर परसाई, और आप उनके एक आर्डेंट और एक बहुत ही अच्छे प्रशंसक रहे हैं। आप पाठक हैं हरिशंकर परसाई के। हरिशंकर परसाई एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कि यदि सभी, अगर साहित्य समाज का आईना है और सभी साहित्यकार यदि वह आईना हाथ में लेके खड़े हैं, तो मैं उस आईने को लेने से इनकार करता हूँ। तो उनका कहना यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण इस वे में है कि सभी साहित्यकार नहीं है, ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। हरिशंकर परसाई तो खैर इतना बड़ा माइलस्टोन है कि अगर वाकई अगर हमको कुछ सीखना है, तो हम हरिशंकर परसाई के पढ़े हुए से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक एक बात मैं आपको और बोलूंगी कि अब्राहम लिंकन कहते थे कि मैं जब भी लोगों से रूबरू होता हूं, तो मैं 2/3 समय यह सोचने में बिताता हूँ कि लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, और बाकी का समय मैं उस पर बिताता हूँ कि मुझे उनसे क्या बात करनी है। तो ये कुछ कुछ लाइंस होती हैं, एज अ टीचर भी मैं फॉलो करती हूँ कि बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे उन्हें क्या बताना चाहिए। तो हर क्लास में मैं 5 मिनट जरूर लेती हूँ उन्हें उनसे बात करने के लिए, और उन्हें हमेशा ये बताती हूँ कि ये पाठ आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा क्योंकि इससे पढ़कर आप पास हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इसे पढ़ाने के बहुत सारे मायने हैं। हरिशंकर परसाई क्यों पढ़ाया जाता है? सोचने समझने की शक्ति को विकसित कीजिए। और मैं एक गैप पाती हूँ, गैप, आपने बहुत अच्छी बात बोली, संगत अपनी रंगत दिखाती है। और मैं, आप और हम जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो एक सोशल मीडिया पे एक वेब का हिस्सा बने, जहां आके हमारी जो सोच थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। मैं उस परिवर्तन परिवर्तन के रूप में आपको देखती हूँ। आपका जो पेशा है वो आपको इजाजत नहीं देता कि आप इस प्रकार से सो कॉल्ड स्त्रीवादी विषयों पर बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो आपके पार्टनर से भी मिलना चाहते थे, डॉली से। और मैं आपकी सोशल मीडिया की यदि फोटोज दिखा पाती, तो मैं देखती हूँ कि ये दो लोग बहुत खुश लोग हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, पर एक मानसिक बदलाव के बाद कम पैसों में भी, कम जगह में भी दो लोग बहुत खुश रह सकते हैं। और डॉली निश्चित रूप से, डॉली के पार्टनर बहुत एक अच्छे इंसान है। और थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपको डॉली कैसे मिली, और मुझे आखिर राय क्यों है आप लोग इतने खुश? एक्चुअली होता है ना, एक सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा पार्ट ये भी है कि सोशल मीडिया पे सब खुश ही खुश दिखाई देता है, ठीक है, जो हमारा सबसे उजला पार्ट होता है वही हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट नहीं होती, ठीक है, झगड़े हो जाते हैं। ये झगड़े भी मतलब ऐसे नहीं होते कि ये फाइनेंशियल इश्यूज को लेके कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो फिर जहां तक मैं पाता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होती है, ठीक है, जब चीजों को एनालाइज करता हूँ ना तो लगता है कि नहीं मैं फिर ठीक है हम फिर बात, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत दिन तक हमारी बातचीत बंद हो, कभी कभी हो जाता है कि 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए या एक दिन के लिए कभी कभी हम म्यूट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब समझते हैं कि नहीं, गलती रियलाइज होता है कि यहाँ हम कहें कि सरकमस्टेंसेस ही ऐसी हैं कि ये चीजें होनी थी, तो समझ में आता है, फिर धीरे धीरे बातचीत चालू हो जाती है, लेकिन झगड़े ज्यादा नहीं होते, कभी कभी हो जाता है। तो ठीक है, जीवन में क्राइसिस आते ही रहते हैं, जैसे अब डॉली है वो भी जॉब पे जाती है, ठीक है, और रिटेल लाइन में हो, ठीक है, उसकी हफ्ते में एक छुट्टी रहती है और मेरी कोई छुट्टी नहीं रहती है,
तो जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है तो उसको यही लगता है कि मैं सारा वक्त उसको दूं, ठीक है। और ये संभव हो नहीं पाता क्योंकि मेरी भी दुकान है सब्जी की, सुबह 4 बजे उठना होता है, शाम को फिर 11 बजे घर पे आना होता है, बीच में 1-2 घंटा मिलता है तो वहां पे मैं रेस्ट लेता हूँ, जैसे ये मेरे रेस्ट का टाइम है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। तो इस तरह से होता है, तो हो ही जाती हैं चीजें, कभी झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं। तो लेकिन डॉली को लेके ये चीजें नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा अपनी छुट्टी को एंजॉय करे, उसको अपनी मम्मी के यहाँ जाना है मम्मी के यहाँ जाए, यहाँ पे रहना है यहाँ पे रहे, जब उसकी मर्जी जहाँ रहना चाहे वो रह सकती है। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई कुछ पूछताछ नहीं करनी, बस मुझे थोड़ा सा बता दिया करो मैं, ताकि तुम्हारे बारे में पता रहे कि डॉली कहाँ है कैसे है, कि कुछ हो तो मतलब सब पता तो हो कहाँ हो। ये मैं जीपीएस वाला काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, अवेयर अवेयर रहना जरूरी है, कहाँ डॉली कहाँ हो, मम्मी के यहाँ हो कहाँ हो, पार्टी में, हाँ ठीक है इस तरह से। तो अब आते हैं डॉली को कैसे मिले हम लोग। 2017 में ही इस जो है, जब मैं कह रहा जब थोड़ा सा दिमाग विकसित हुआ, सारी चीजें सोचने समझने की क्षमता बढ़ी, सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, सोशल मीडिया पे लोगों को पढ़ पढ़ के तो दिमाग ऐसा बदला है कि मैं क्या ही कहूँ। होता है ना कि जैसे कह रहा था, पहले स्टार्टिंग में सोच महिलाओं को लेके वैसी थी जैसे आम लोगों की होती है, कि कक्षा 9वीं में मुझे एक जोक याद आता है, जो हम मैं स्टूडेंट हमारे बीच में अक्सर हम लोग जोक मारते थे, जो होते ना महिला बराबरी की बात आती थी वहां, मतलब कभी सुनाई नहीं देता ऐसा महिला बराबरी की बात, लेकिन हो सकता है कहीं से हम लोग ने सुन लिया हो। तो हम दोस्तों के बीच में एक जोक जो चलता था कि हमारी बराबरी कैसे कर सकती है, मान लीजिए कि 8 महीना 5-6 महीना बराबरी की, जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो कितना पीछे चली जाएंगी, आप सोचो, ये हमारे लिए जोक का विषय होता था, ठीक है। तो जब जबकि अब यही सोचता हूँ तो कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि ऐसे इमोशनल मामले पे जो बनाते थे, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को लेके ऐसी सोच थी। फिर एक चीज ये भी लगता था कि पता नहीं कहाँ से ये जेनेटिकली मेरे दिमाग में था, या लोगों के बीच रह के या दोस्तों का दिया हुआ, कि महिलाओं में दिमाग कम होता है, मतलब इस तरह की सोच थी कि वो कितना भी सोचे वो उतना ही सोच पाएंगी, कितना भी सोचे, लेकिन एक जो मेल जो सोचते हैं ना, मेल होमोसेपियंस, उनसे नीचे ही सोचेंगे, उनसे ज्यादा नहीं सोच सकते, ये इस तरह का माइंड सेट था, ठीक है। लेकिन जब होता है ना कि आप जब थोड़ा सा दिमाग खुलना शुरू हुआ, लोगों से जब कांटेक्ट बढ़े मेरे, ऐसे लोगों से मिलना होगा कि जो फ्रीलांस काम कर रही थी, जो जबकि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों से, बहुत सारे पहले भी ऐसी महिलाएं थी मेरे जीवन में कि कभी नोटिस ही नहीं किया, जैसे स्टार्ट के दौर में 2008 2009 के दौर में जब मैं यहाँ पे मुंबई में हुआ करता था, तो कविता मल्होत्रा करके मेरी एक ग्राहक है, ठीक है, कस्टमर है, कस्टमर क्या उस फैमिली जैसा रिश्ता है, हमेशा से ही रहा है, कभी मेरी कस्टमर टाइप नहीं रही हो। तो जब भी मतलब पता नहीं क्यों वो किस तरह से है, मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना केयरिंग कैसे कोई हो सकता है किसी अनजान के लिए। पहले दिन वो आई, बहुत सारी सब्जियां ली मुझसे, फटाफट 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 ये दिया, क्या नाम है तुम्हारा, मिथुन, अच्छा कैसे हो, इसके बाद लोग हाल चाल जानना और सारी चीजें, ठीक हो, कभी बीमार पड़ा, पहले मतलब इस तरह से था कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं थे, ठीक है। मैं आप सोचिए कि लगभग 80 के दौर से पिताजी मेरे यहाँ पे हैं, लेकिन अभी तक एक घर नहीं हो पाया, अभी भी मैं किराए के रेंट पे रह रहा हूँ या किराए के घर पे। तो वो एक दौर था कि पापा जो है गांव में थे, मैं यहाँ पे था, रहने के लिए हम लोग सड़क पे रहते थे, खाना पीना सब सड़क पे होता था, होटल में खाते थे, सड़क पे सोते थे, तो अक्सर कभी मलेरिया हो जाता था, कभी मलेरिया हुआ, कभी डेंगू हुआ, इस तरह की चीजें चलती रहती थी, तबीयत हर 3-4 महीने में एक बार खराब होना ही होना है। तो वो इतनी केयरिंग महिला कि हालचाल जानना, कितनी बार तो वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई, ठीक है। तो और सेल्फ डिपेंड, उनके 2 बच्चे हैं, वो मतलब इंग्लिश इंग्लिश सिखाती हैं बच्चों को। तो आप सोचिए कि इतनी प्रोग्रेसिव महिला, वो मेरे साथ मतलब हमेशा से जुड़ी हुई, लेकिन कभी ये मैंने नहीं सोचा कि ये भी तो एक माइंड है, कि ये भी तो मतलब किस तरह से हैंडल करिए, परिवार को हैंडल करिए, उनके पिताजी बूढ़े थे, उनकी बुआ जी थी, सबको हैंडल कर रही है, लेकिन कभी मैंने इसमें नोटिस नहीं किया कि हाँ ये भी एक महिला का दिमाग है, जो और भी जितने लोग हैं उनसे कहीं बेहतर है, जो लोगों का केयर भी करती है और जो है, और ऐसे इंसान के बारे में भी सोचती हैं, हाय हेलो से लेके फाइनेंशियली मदद करना, ठीक है। मेरी बहन की शादी थी मुझे याद है 2011 में, तो उन्होंने पूछ के कुछ गिफ्ट्स दिए उनके लिए, फाइनेंशियली कितनी सारी मदद की उन्होंने। तो ये सब क्या था, मतलब कहीं ना कहीं जो है एक उनके माइंड इस तरह से था ना कि, और मैंने किसी मतलब मेल होमोसेपियंस को नहीं देखा कि आया अनजान आदमी की मदद करने लगे इस तरह से,
लेकिन कभी उस पर नोटिस नहीं किया कि इस तरह से भी होता है। लेकिन जब 2016-17 के बाद बहुत सारे लोगों से जब मुलाकात हुई, उसमें से स्पेशली इला जोशी, जब पहली बार उनसे मिला, देखा कि इंग्लिश बोलना, बातें करना और अपनी बातें रखना, पॉलिटिकली किस तरह से अवेयरनेस था उनका, चुनाव को लेके मतलब एनालाइज करना, तो मुझे याद है कि 2015 में शायद चुनाव था, बिहार का चुनाव, जो भी रिजल्ट आया था, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की पार्टी थी, किस तरह से वो एनालाइज कर रही थी, ठीक है, वो सब देखा। फिर उसी प्रोटेस्ट में जाना, वहां पे महिलाओं को जब मैंने नारे लगाते हुए देखे, जनवादी गीत गाते हुए देखे, मतलब ये क्या है, तब वहां से मतलब होता है ना दिमाग में जो ब्लास्टिंग दिमाग खुलता है ना कि भाई तुम अभी कुएं से निकले हो, तुमने दुनिया देखी नहीं है। फिर वो कंडीशनिंग वाली बात समझ में आती है कि ठीक है, मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ कि जहां पे दिमाग ही इस तरह का, मतलब आपको बढ़ने नहीं, जैसे कि मुझे जितना प्रिविलेज हासिल है, मैं ठीक है, मैं क्लास मेरा लोअर हो सकता है लेकिन उसमें भी मैं मेल हूँ, ठीक है, मेरा प्रिविलेज मेरी बहनों से कहीं ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन से मेरी चर्चा हो रही थी कि मेरी बहन सोशल मीडिया पे है, मेरे पोस्ट सारी देखती रहती है, छोटी बहन सोनी है, उससे बड़ी एक है रीता है, और एक सबसे बड़ी जो बहन थी हिमेन, मेरी से छोटी थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, ये मेरी तीन बहनें हैं, वो सोशल मीडिया पे मेरी पोस्ट देखती रहती है, पढ़ती हैं, मुझे जानती हैं अच्छे तरीके से, सब ऑब्जर्व करती हैं, बातचीत भी करती हैं मुझसे इन सब विषयों पे, ठीक है। तो एक दिन कई छोटी बहन से इस चर्चा हो रही थी दोस्तों के लेके कि तुम्हारे किस तरह से दोस्त हैं, कैसे कैसे लोग मिलने आते, तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी मैं अपनी तारीफ कर रहा था कि देखो ऐसे ऐसे दोस्त ही मेरे मिलने आ जाते हैं ऐसे। तो एक चीज जो मेरे मन में खटकी कि क्या वही प्रिविलेज मेरी बहनों को भी हासिल था बचपन से, कि जो है तो अगर वही प्रिविलेज उनको मिला होता तो आज मेरी बहन मुझे चीजें बता रही होती कि ये मेरा दोस्त यहाँ से आई, ये मेरा दोस्त यहाँ से आया, ये यहाँ से है, वहां से है, ठीक है। तो ये मतलब एक वहां भी थोड़ा सा बहुत एम्बेरस फील हुआ कि नहीं, मैं रुक गया, नहीं बता पाया कि ये कहीं ना कहीं मैं किसी का प्रिविलेज खा के अपने अपनी जो है एक जो भी इसको सफलता तो नहीं कह सकते, ठीक है, कि मेरा कहाँ से दोस्त है, कैसा है, कौन आ रहा है, कौन बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना किसी का प्रिविलेज मारना ही हुआ ना ये। अगर उतनी आजादी उसको मिली होती तो वो भी यही सारी चीजें कह रही होती, ठीक है, कि भैया देखो ये मेरे दोस्त हैं यहाँ से आ रहे हैं, ऐसा वैसा है, आज मेरी बहन गांव में है, मैं यहाँ पे हूँ, तो ये भी एक मेल प्रिविलेज ही है, ठीक है, आज मैं मनीषा से बात कर रहा हूँ तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर वहां से दिमाग खुला है, 2017 में पीछे जाना चाहता हूँ, 2017 में फिर महिलाओं को देखा इस तरह से जो है, फिर लोगों से मिलना जुलना चालू हुआ, लोगों से मिलता गया, दिमाग बदलता गया अच्छी तरीके से, हालांकि तब भी होता है ना कि आप चीजों को सीख के क्रांतिकारी नहीं हो जाते, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सीख लेते हैं, फेमिनिज्म पे पता होता है, जातिवाद पे पता होता है, सांप्रदायिकता पे अच्छा ज्ञान दे लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो जीवन में उसे कितना अपनाया वो सब कुछ दिखाई नहीं देता। तो 2017 इवन 17-18 तक तो वैसा मैं भी था, ठीक है, कि लगता था हाँ सीख लो, सीखने में क्या जाता है, सोशल मीडिया पे क्या जाता है, बदलाव लाने की क्या जरूरत है, तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर रियलाइज हुआ कि यार उतना मुश्किल भी नहीं है चीजों को बदल लेना, अगर थोड़ा थोड़ा कोशिश की जाए, तो 2017-18 से ही कोशिश हो गई थी कि जो जो हो एक्चुअल में रहना चाहिए, ठीक है, ये झूठ फरेब का सहारा कब तक लिया जा सकते हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप से ही धोखा है, ठीक है, कि आप जो है फेसबुक पे फेमिनिस्ट हैं और घर में वही सब प्रताड़ना चल रही है, आपके जो है खाना बीवी बना के देती है, बहन बना के देती है, चड्डी आप छोड़ देते हैं, मम्मी धो के देती है, तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत गंदा है, ऐसा तो नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अपने मन अंदर ही होता है ना कि कहीं ना कहीं मन ही कचोटता है अपना, तो उस तरह से चीज हो रही थी चीजें, हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है किस तरह से हैं, कि सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा होता है और रियल लाइफ में कुछ चल रहा होता है, मुझे तो ऐसा नहीं रहना है, कम से कम रह तो लेंगे, होने में क्या जाता है, लेकिन अपना अपनी अंतरात्मा होती है ना कि वो कैसे उसको कैसे समझाओगे, तो ठीक है। तो कभी मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे जो भी महिलाएं मेरे जीवन में है, जैसे मेरी बहनें हैं, डॉली है और अगल बगल के लोग हैं, कि कहीं से भी अगर लगता है कि ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं कि जो जैसे मेरे व्यवहार में कि जो महिलाओं के अगेंस्ट जा रही है, तो कम से कम मुझे टोक, ठीक है, मुझे समझ तो हो कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ,
आप मुझे बताओ, हो सकता है क्योंकि मैं भी उस मेल होमो सेपियंस का पार्ट हूँ, ठीक है, मुझसे गलतियां हो सकती है, लेकिन इसको हो सकता है मैं ऑब्जर्व ना कर पाऊँ। आप अगर ऑब्जर्व कर रही हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है, कम से कम उसमें सुधार की गुंजाइश जितनी रहे वो मैं कर सकूं। और यही हाल सोशल मीडिया को लेके भी रहा कि सोशल मीडिया ने मुझे इतना कुछ सिखाया। लोग कहते हैं कि आप टाइम पास कर रहे हो सोशल मीडिया पे, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया ने मुझे इतना ज्यादा बदला है कि किताबों के और लोगों के अलावा जो सबसे बड़ा पार्ट रहा है सोशल मीडिया का रहा है, ठीक है, लोगों के आर्टिकल्स पढ़ के, लोगों के कमेंट्स पढ़ के, लोगों की राय जान के, देख के लोगों को इतना कुछ मैंने सीखा है। और ये एक सोशल मीडिया का ही, मीडिया की ही देन है कि आज मैं मनीषा से बात कर रहा हूँ, सोशल हम एक दूसरे से सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया को मैं इस तरह से डिनाई नहीं कर सकता कि ये टाइम वेस्ट है या टाइम पास है। सोशल मीडिया पे मैंने लिखना शुरू किया, जो भी अपने ख्याल होते थे लिखता था, लोग शेयर भी करते थे, कितनी सारी पोस्टें बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, कितनी सारी कहानियां वायरल हुई हैं, जो भी कहानियां लिखी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मिलावट है या बनावटी, कुछ कहानियां हैं जो मतलब बिल्कुल ही अलग लिखी है मैंने, जो मेरे जीवन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने होता है ना ऑब्जर्व किया वो लिख दिया। और कुछ चीजें तो मतलब होता है कि जो मेरे जीवन का हिस्सा रही है वो मैंने लिखा है, वो सब तो इस तरह से रहा। तो वो बदलाव जब 2017 2018 में हुआ तो धीरे धीरे जो है, तो उस समय फिर होता है ना कि बाप लोगों से मिलने लगते हैं, फिर मिलने में लड़के और लड़कियां दोनों का पार्ट होता है, ठीक है, तो उस समय भी मेरी एक दो गर्लफ्रेंड, तब मतलब ये सब बहुत बड़े अमीरों के चोचले लगते थे, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड होना, इस तरह से चीजें होनी, ये सब क्या है। तो मतलब एक वो दौर था कि हर लड़की एक ही तरह की दिखाई देती थी, ठीक है, कि एक अंदर से कहीं ना कहीं मर्दवाद ही भरा होता था कि किसी को भी देखना तो एक ही तरह का मन में ख्याल आना कि इसके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप, हर महिला मतलब उस तरह से ही था कि अपने घर की माँ बहन को छोड़ के बाकी सब जितने हैं सब एक टाइप के हैं, कोई महिला किसी से मिल रही है जरूर उनके बीच गलत संबंध होंगे। अब आप सोचिए कि गलत संबंध, ये शब्द भी कहीं ना कहीं उसी की देन है कि कंडीशनिंग की, कि किसी के संबंध रिलेशन को भी हम गलत या सही के नजरिए से देखते हैं, तो वो उस तरह का माइंड फिर धीरे धीरे जाता रहा। फिर होता ना, फिर आप भी उस दुनिया में एंटर करते हैं जहां पे जो है बीएफ और जीएफ वाला मामला होता, तो कहीं ना कहीं फिर अट्रैक्शन किसी से रहा, एक 1.5 साल जो है रिलेशनशिप चला, इसके बाद वहां से जब ब्रेकअप हुआ फिर ऐसे ही जो है डॉली डॉली, उसमें शादी की चर्चा भी मेरी जोरों पे थी। अब ऐसे परिवार से आता हूँ कि एक उम्र के बाद तो शादी का प्रेशर भी आने ही लगता है, ठीक है, कि शादी करनी है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रांति और परिवार दोनों को साथ में लेके चलना होता है ना कहीं कहीं, तो कभी कभी बैलेंस बना, तो वहां पे भी मेरे साथ भी यही सब चीजें चल रही थी कि अब कैसे करोगे, क्रांति करोगे या परिवार संभालोगे या घर संभालोगे, कैसे करोगे सब कुछ, ये सब मुश्किल। फिर लगा कि ठीक है सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन एक विचार से तो समझौता कम से कम नहीं कर सकते, ठीक है, तो विचार अपनी जगह है और सारी चीजें अपनी जगह है। तो उसी के बेस में मतलब ब्रेकअप तो उस समय हुआ था 2017 18 की बात थी, 17 18 का ही दौर था, मतलब नवंबर से लेके Jan-Feb का था। तो मेरे बड़े पिताजी के एक लड़के हैं, उन्होंने जो है डॉली उनके साथ काम करती थी यहाँ पे, तो डॉल उन्होंने मतलब ऐसे, फिर डॉली ने भी उनसे चर्चा की होगी शादी वादी की, तो उसके घर पे भी प्रेशर वेशर चल रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट वाला मामला हो गया, ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत पहले से ही, मनोज नाम है मेरे बड़े पिताजी की लड़की का, बहुत पहले से मतलब जब मेरा रिलेशनशिप चल रहा था उसके पहले से ही मनोज कह रहा था कि यार एक लड़की है देख ले, अगर अच्छा लगता है तो बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं, खाली तू देख ले, मतलब वो भी थोड़ा सा डरपोक टाइप, मुंबई से ही बिलोंग करता है, तो कम से कम ये वो नहीं चाहता कि कोई शादी उसके थ्रू या बीच में कुछ हो तो वो बीच में फंसे, वो डर के मतलब होता है ना कि दूर से ही अरे भाई तुम लोग मिल रहे हो, अगर देखो घर वाले कह रहे हैं तो अगर हो सकता है तो कर लो। तो 2017 18 का दौर था, तो मेरा ब्रेकअप था, फिर 2 4 बार मनोज ने कहा तो मतलब ठीक है देख लेते हैं, फिर ऐसे ही हाय हेलो शुरू हुआ डॉली से, फिर बात आगे बढ़ी, फिर हम लोग फिर धीरे धीरे मिलते गए, फिर 2 महीना 4 महीने मतलब बहुत कॉमन बातें होती थी, बहुत हो गया कभी 2 4 दिन के बाद हाय हेलो कैसे हो क्या हो, मतलब ये तो पता था कि हाँ मनोज के थ्रू हम लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से बात बात कर रहे हैं, फिर धीरे 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 एक दूसरे को जानते 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 जानते, तो बहुत फिर धीरे धीरे हम लोग करीब आते गए, ठीक है, फिर 1.5 साल 2 साल तो ऐसे ही समझने में चले गए, फिर धीरे 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 बहुत जब काफी क्लोज हो गए तो फिर होता ना कि फिर भी अंतर्द्वंद चल रहा होता है, फिर दिमाग में ऐसे कि
क्रांति की बात करते हैं सब, फिर जाति में जाके फिर शादी करोगे, ये करोगे वो करोगे। फिर एक परसाई का ही एक लेख है कि होता ना कि बुर्जुआ बौड़म करके, कि शायद अगर किसी ने पढ़ा हो तो उनको याद है कि बात से किसी, मुझे पूरी याद नहीं आ रहा हो, लेकिन उसका थीम ये था कि भाई क्रांति सब कुछ नहीं होती, अगर तुम्हारे कास्ट में अगर अच्छी लड़की और तुमसे प्रेम करने वाली मिल रही है तो उससे शादी करने में क्या बुराई है। ठीक है, अगर किसी से तुम्हारे प्रेम है लेकिन तुम क्रांति कर, नहीं हम जात में शादी नहीं करें, क्या हुआ मेरी प्रेम क्या है, हम जात में शादी नहीं, क्योंकि हमको जात की बात तोड़ना है, इसलिए मुझे अगर मेरे जात में मुझे प्रेम हुआ तो मैं वहां शादी नहीं करूँ। ठीक है, ये उसका थीम था। तो फिर लेकिन हम फिर उन सब बातों को भूल के जो है आगे बढ़े, 3-4 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे, फिर फाइनली 2019 या 2020 में हम लोगों ने शादी की। शादी भी मतलब होता है ना कि कभी कभी उसके परिवार से प्रेशर, ठीक है, क्योंकि मैं चीजों को समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने परिवार को समझा सकता हूँ, मैं परिवार का बड़ा लड़का हूँ, ठीक है, तो मैं परिवार का बड़ा लड़का हूँ कि मैं अपने कम से कम परिवार में जो कहूंगा लोग सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आर्थिक तौर पे मुझ पर निर्भर करते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात कह दूं उनको, सुन हो सकता है कि उनको सुनना ही पड़े, या कुछ डिसीजंस मैं अपने ले सकता हूँ, ये बात। लेकिन डॉली की जहां तक बात आती है, उसका परिवार है, उसकी माँ है, वो कहीं कहीं वो प्रिविलेज उसको नहीं हासिल है जो जो मुझे हासिल है। तो इस तरह से उसके परिवार की तरफ से भी शादी की बार बार बात उठती रही, और मेरे परिवार वाले भी लगातार कोशिश करते रहे, तो यही कोशिश 2019 में रंग लाई और हमने शादी की। तो वहां भी ब्राह्मणिकल वाली बात आई कि किस तरह से शादी होनी है, फिर वही सब देखा कि गौदान से लेके कन्यादान जितनी भी रस्में होती है, मतलब सब तो सब पेट्रियार्की वाला ही मामला है, तो शादी किस तरह से की जाए, कोर्ट में जाया जाए या किस तरह से। तो मैं कोर्ट के लिए बेसिकली तैयार था कि कोर्ट में जाया जाए, वहां पे जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलो करके शादी खत्म की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार का ये था कि नहीं हमको इस तरह से शादी करनी है कि थोड़ा तो वहां पे चीजें होनी चाहिए, फेरे वेरे से लेके। फिर हम लोग ने किया, हम लोग ठीक है फेरे वेरे कर लेंगे जो भी है करेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे, अगर डॉली सिंदूर लगाएंगे तो भाई हम भी लगाएंगे, ठीक है, सिंदूर मैं तो उनके परिवार से भी थोड़ा मेरा कंट्रोवर्सी चल रही थी, यार इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप उसी गड्ढे में जाके गिरोगे, ठीक है, मैंने कहा यार कि कोर्ट मैरिज तो कर लेंगे कम से कम, क्या आपको, तो कम से कम आप इस बात को तो देख लीजिए, कोर्ट मैरिज भी जो है एक वैलिड शादी है यहाँ पे। लेकिन उनके घर वाले नहीं माने फाइनली इस बात पे, लेकिन मेरी शर्त यही थी कि हम सात फेरे लेंगे, जो उसमें कस्में वस्में होती हैं कहीं ना कहीं आपके बराबरी के अधिकार को खाती है, ठीक है वो। और दूसरी जो कन्यादान वाली बात आती है, कन्या तो दान की चीज नहीं है ये, और सिंदूर, मतलब उस शादी में मतलब कितनी सारी चीजें, आप कितना पेट्रियार्की से कितना लड़ोगे, अगर आप ये सब समझने के बाद भी उसी खंडक में जाके गिर रहे हो, तो उसकी भी उसका भी तोड़ हमने निकाला कि ठीक है अगर डॉली सिंदूर जो है, डॉली को मैं सिंदूर लगाऊंगा तो डॉली भी मुझे लगाएगी, अगर ये शर्त मंजूर है तो हम शादी कर लेंगे। तो क्योंकि शादी के बाद डॉली सिंदूर लगाएगी नहीं लगाएगी, ये एक कंडीशनिंग वाली बात हो सकती है या प्रेशर वाली बात हो सकती है, घर परिवार समाज का प्रेशर पड़ेगा तो वो करेगी, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहेगी, अगर उसका मैं इस तरह से ये कंडीशनिंग वाली बात अगर वो समझेगी देखेगी, हो सकता है एक वक्त के बाद से बाहर आ जाए, लेकिन अगर वो लगाएगी 2 दिन मैं निकल लूंगा सिंदूर लगा के बाहर समाज में, तो ये तो तय है कि वो सिंदूर लगाना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये सब सोच के फिर वो शादी में मैंने डॉली का सिंदूर लगाया, डॉली ने भी मुझे सिंदूर लगाया, ठीक है, वहां पे थोड़ा हंसी के पात्र सब हो गए, लेकिन ठीक है अच्छा था सब कुछ हो गया। शादी में सात फेरे भी हुए, वहां पे जो भी उनके मंत्र थे पंडित जी के वो लोग कर रहे थे, फिर मयंक थे साथ में, फिर उनके भी 7 मंत्र थे जो इक्वलिटीज की बात करते थे, जहाँ पे जैसे कि घर में जो भी काम है सब बराबर बांट के करेंगे, वहां पे भेदभाव नहीं करना है, कि अपना जो मतलब अगर तुम खाना बना रहे हो तो एक बर्तन धोएगा, एक बर्तन धोएगा खाना बनाएगा, हाँ इसी से अगर किसी की तबीयत खराब है या मूड नहीं है तो आप समझौता करके चीजें कर लो, लेकिन सारा मामला वहां पे बराबरी का होना चाहिए, ठीक है, हर चीज में ऐसा नहीं है। और जो है पर्सनल लाइफ भी है, इंटरफियर कहाँ तक करना है आपको, इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारी 7 कस्में थी, तो वो भी हुई, और इस तरह से हम लोग ने बहुत कम बजट में, बजट क्या मतलब उस समय तो शादी के लिए पैसे ही नहीं थे, जैसे तैसे हम लोग ने शादी को खत्म किया। तो उसके बाद से हम साथ में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है, कभी कभी होता है चीजें लाइफ में, ठीक है, तो हो जाता है।
लेकिन अरे भाई, बहुत खुश है, लड़ना सच में झगड़ना, खुश लड़ना झगड़ना बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी आपकी ये कहानी, कि कहीं एक बार मिथुन गलती करे और कह दे मैंने डॉली को बहुत आजादी दे रखी है। अच्छा हुआ आपने ये गलती नहीं हूँ। की। लेकिन आजादी देने वाला मैं कौन हूँ? आजादी देना मतलब क्या? मतलब संविधान हो क्या? आप ये सोच रहे हैं संवैधानिक रूप से बोलिए, आपकी पत्नी आपके इतनी साथ लोग आजाद रह रही है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजाद होते हैं, हम आजाद देश के नागरिक हैं। किसी को भी अगर आजादी हो तो संविधान के थ्रू है, ठीक है? हम किसी को कैप्चर करते हैं, आजादी तो हम बिल्कुल नहीं देते हैं किसी को, ठीक है? तो हाँ, ये हो सकता है कि मैं मेल होमोसेपियंस हूँ, मेरी कंडीशनिंग उस तरह से है, मैं उस प्रोसेस से बाहर नहीं आ पाया हूँ, बिल्कुल नहीं आ पाया हूँ। मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं गलतियां हो जाती हैं उससे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुंह से कभी छोटी सी गाली भी निकल जाती है, तो लगता है फिर मतलब होता है ना कि अपने आप में शेम फील होता है कि यार फिर उसको भी नहीं, ठीक है, कंडीशनिंग का ही तो हिस्सा है, मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन फिर होता है कि आइंदा से ये गलती ना हो, वहां पे इससे सीखा जाए, ये भावना होती है। तो बाकी वही है कि कंडीशनिंग तो मतलब अब 3 4 साल में कितना ही इंसान अपने आप को बदल देगा, जो चीजें फीड हैं। लेकिन हाँ, ये 4 साल में जो बदलाव हुए मैंने जो देखा, तो ठीक है, अमेजिंग ही रहा है। लेकिन हाँ, गलतियां मैं बहुत करता हूँ, होती हैं, सीखता हूँ उनसे, फिर कोशिश यही होती है। अगर दोहराव तेरा हो रहा है उसमें तो वो गलती नहीं है, फिर मतलब कहीं ना कहीं अपने अंदर ही कमी है जिसको। हाँ चलिए, सुनने वाले श्रोताओं से बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारे मिथुन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बोली, कि गलती हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का दोहराव हो जाना एक समस्या है। और बच्चे अगर सुन रहे हैं मेरे स्कूल के, तो वो मैं उनको हर बार कहती हूँ कि गलती करो अपनी करो, पड़ोसी की गलती मत करो, और हर बार अलग गलती करो, सेम ही गलती को दोहराओ मत। तो पैट्रियार्की हमें यही सिखाती है कि पुरुष को अक्सर पता होता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन चूंकि उसे वही प्रिविलेजेस प्राप्त होती हैं, और उन गलतियों में वो गलतियों को करके भी ही तो वह प्रिविलेज्ड इंसान बना है। बराबरी तभी आएगी जब पुरुष अपनी उन गलतियों को स्वीकारेंगे। और बहुत अच्छी बात हमें बताई मिथुन ने कि जब उनकी शादी के फेरे हुए तो संविधान की जो संकल्प थे उन्होंने लिए, अच्छा बदलाव है। और यदि मिथुन कर सकते हैं तो मेरे देश के बहुत सारे पुरुष खुद को बदल सकते हैं। इतना संघर्ष करते हुए अपनी विचारधारा पे अटल रहना, कायम रहना, मिथुन आप एक बहुत अच्छे उदाहरण है उस बात के कि नहीं, खाली पेट भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन इस सेशन के लिए। मुझे आपको बहुत तल्लीनता से सुन रही थी, बहुत मन लगा के सुन रही थी, और बहुत अच्छे से आप बातें समझाते हैं। अपनी तरफ से जो प्रयास करते हैं वो बहुत ही अनुकरणीय है, और ऐसे ही बने रहे मिथुन और सीखें। मैं अगली बार जब आपसे बात करूं तो हमारे पास इतनी सारी बातें हों करने के लिए नई, कि पुस्तकों के नाम जो आपने बताए, मतलब मेरे गूज बम्प हुए सुन करके कि ये पुस्तकें पढ़ी हैं इस लड़के ने। सोचिए, इतनी मेहनत करने के बाद आपने उन पुस्तकों को पढ़ने का समय निकाला। उसके लिए भी एक शिक्षिका होने के नाते बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं एक दो बार इमोशनल भी हुई। ऐसे ही बने रहिए, खूब खुश रहिए, और आपके साथ आपके साथी डॉली भी खूब खुश रहे। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि मिथुन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, बहुत स्कूल नहीं किए गए हैं, लेकिन जितना भी इन्होंने पढ़ा है खुद के प्रयासों से पढ़ा है, और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही दिशा में कर कीजिए, अपने अच्छे साथी चुनिए जिनसे आप सीख सकते हैं, सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन आज के सेशन के लिए, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मनीषा, और देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश होगी आप लोग भी बदलें, कम से कम सारे मामलों में जो है, जो चीजें देख रहे हैं आप, चाहे जो है पितृसत्ता हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, मतलब होता है ना कि चाहे जो है आपका नस्लवाद हो, ये सब चीजें किसी भी स्वस्थ समाज के लिए घातक ही हैं। आप इनके बारे में पढ़िए, सुनिए लोगों को, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों से सजेशन लीजिए, अच्छी किताबें ढूंढिए, अच्छी फिल्में देखिए। मतलब कोशिश यही हो कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो, जहाँ सबके लिए जगह हो, जहाँ जेंडर के आधार पर भेदभाव ना हो, जात के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे आपके अंदर मतलब किसी भी तरह के अगर जहर घुला हुआ है तो वो बाहर आए। कि यार अगर एक धर्म के आधार पे कोई अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, इंसान अपने कर्मों के आधार पे ही अच्छा या बुरा हो सकता है।
ठीक है, तो ये सब बदलाव आई होप कि जितना भी मिनट का सेशन ये रहा हो, आप अगर मेरी बात, मेरी और मनीषा की बात को सुनकर थोड़ा ही बदलाव लाते हैं, तो आई होप कि ये हमारा बातचीत का जो है बातचीत करना सफल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, देखने वाले को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनीषा।